जोशी मठ में हम लोगों ने संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत करके, यहाँ के लोगों से बातचीत करके, जिनमें मैं हूँ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा हैं, यशपाल आर्या जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, राजेंद्र भंडारी जी हैं, मनीष जी हैं, दूसरे सब लोगों ने जो बातचीत की है, संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत की है, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जोशी मठ हमारा देवस्थल, जोशी मठ हमारी आध्यात्म की नगरी, जोशी मठ हमारी संस्कृति का उद्भव स्थल, जोशी मठ जहाँ रमाण संस्कृति विद्यमान है, जैव विविधता का केंद्र जोशी मठ, और उसके चारों तरफ जहाँ औली जैसे बुग्याल हैं और द्रोणगिरी जैसे पर्वत हैं जिनसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेने का काम किया था, ये जोशी मठ, जिस जोशी मठ में नरसिंह देवता साक्षात रूप में विद्यमान है, जहाँ बद्रीनाथ जी शीतकाल में आवास करते हैं, आज जब वो धंस रहा है, डूब रहा है, तो हम सब लोगों का आग्रह है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, संपूर्ण शक्ति लगाकर, राष्ट्रीय शक्ति लगाकर नया जोशी मठ बसाओ और पुराने जोशी मठ का उपचार करके उसको पुराने स्वरूप में लाओ। उस रास्ते में एक जो टनल एनटीपीसी की है, जिसको लेकर के लोगों को आशंका है कि इसके कारण भूदशाओं का काम तेजी से हुआ है, आज 609 घर प्रशासन ने खतरनाक घोषित कर दिए हैं, तीसरे घरों के लोगों का विस्थापन भी हो चुका है, 5,000 रुपया जो कटे में नमक का काम कर रहा है अहेतुक सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। तो हमने इन सब बातों को लेकर के जहां ये कहा है कि नया जोशी मठ बसाओ, पुराने जोशी मठ का उपचार करो, वहां पर ये भी आग्रह किया है कि लोगों को जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिस उसमें बद्रीनाथ में कंपनसेशन दिया जा रहा है लोगों को, विस्थापित किए जाने वाले भाइयों और बहनों को, उसी रूप में यहाँ भी दिया जाना चाहिए, अहेतुक सहायता को बढ़ा करके 50,000 किया जाना चाहिए, लोगों के व्यावसायिक और दूसरे नुकसानों का सही आकलन करके मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये प्रकृतिजन आपदा के साथ साथ मानवजन्य आपदा भी है, क्योंकि एनटीपीसी की टनल के कारण लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि वो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। भारत सरकार ने अतीत में भी, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उत्तरकाशी में जब ऐसी स्थिति आई थी तो 3 पावर प्रोजेक्ट्स को बंद किया था। आज भी लोग उसको उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि जोशी मठ को बचाने के लिए इस कदम को उठाया जाना चाहिए। चार धाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम पर जो अंधाधुंध कटिंग की जा रही है, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। जो बाईपास बनाया जा रहा है, उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कम से कम यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो, ताकि पुराने जोशी मठ को के अस्तित्व को बचाने के लिए जो कदम उठाए जाएं, वो कदम धरती पर सार्थक हो सके। हम सब लोग केंद्र सरकार से इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हमें तकलीफ है ये कहते हुए कि 3 तारीख से चिंताजनक समाचार आ रहे थे, राज्य सरकार भी देर में चेती और केंद्र सरकार तो अब जाकर के एक विशेषज्ञ समिति बना करके अपने कर्तव्य का की इर्तिशीर करने का काम कर रहे हैं, जबकि एक तरफ उमा भारती जैसे लोग कह रहे हैं कि मैंने इस टनल को बंद करने के आदेश दिए थे, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार अभी तक जो है मुक्ति भी दिखाई दे रही है, वो यह हमारे लिए सबसे चिंता का विषय।